بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سبعة يذلهم الله في ذله يوما لا ذل دل إلا ذلي" إمام عادل وشاب نشع في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد إلى آخر الحديث متفق عليه حمد لله كبريائي بڑائي يكتائي तनहाई बादशाही और शहनशाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और अनगिनत दुरोदो सलाम हो आमिना के लाल पे करे हुसन जमाल साहिब शर्फ़ व कमाल नबी बेमिसाल बे मिसाल जनाब महम्मदरसोल्ला सल्हुस मोहतरम हज़रा और पर्दा नशी ख़वानी इस्लाम आज अंग्रेज़ी तारीख़ में 6 दिसंबर है और ये सन 2024 का आखिरी महीना चल रहा है 6 दिसंबर के मुतालिक कुरान हदीस में कुछ भी ज़िक्र नहीं है ना ये जिक्र है कि दुकान बंद करो न ये जिक्र है कि ब्लैक डे का नाम दो नहीं ये जिक्र है कि मातम मनाओ नहीं क्या हुआ था जे दिसंबर को सबको मालूम है कि छह दिसंबर को हुआ क्या था उन्नीस सौ बिरानबे एक तो मस्जिद शहीद की गई बहुत अफसोस की बात है शहीद हो गए लेकिन उसे सियासत दानों ने बड़ी हवा दी और आज भी सियासतदान सियासत कर रहे हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए हालांकि इन्हें मालूम है कि कैसे तोड़ा गया ताला किसने खुलवाया किसने मुसलमानों की तरफदारी की किसने गोली मारी सब मालूम है लोगों को यह बहुत अच्छी बात है कि यह दिन याद रहे मुसलमानों को तकरीबन तकरीबन एक बत्तीस साल हो चुका है छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम हो चुका है कि 6 दिसंबर ये ब्लैक डे है यानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया कई सालों तक लड़ाई झगड़ा चलता रहा बिलाखिर उसे मिसमार कर दिया गया एक मुसलमान वो मुसलमान जो पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं वो मुसलमान जो अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी से नहीं डरता ऐसे मुसलमान अगर अफसोस जाहिर करे थोड़ा बहुत अगर वो मातम मनाए वो अपने घरों में अपने बच्चों के सामने उस मस्जिद का तस्करा करे तो बिल्कुल जेबा है लेकिन वो मुसलमान जो अपने मोहल्ले के मस्जिद को कभी नहीं आता जुमा के अलावा जुमा छोड़िए ईदेन में भी आता है अगर बारिश वगैरह हो गई तो ऐसे मुसलमानों को कोई हक नहीं है कि वो मातम मनाए वो अपने बच्चों के सामने उस मस्जिद का तस्करा करे लोगों को तारीख सुनाए इसलिए कि मस्जिद से मोहब्बत पक्के सच्चे माहिद और मुसलमानों की होती है ये जो आप देख रहे हैं ये मोहब्बत नहीं है ये ढकोसला है ये सियासत है ये इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो मस्जिद हो या कोई और मस्जिद हो अल्लाह तबारक वाले ने मसाजिद तामीर करने का हुक्म दिया और फरमाया उसे आबाद किया जाए इस्लाम सिर्फ इस बात का दर्श नहीं देता कि मसाजिद को तामीर करके वीरान छोड़ दिया जाए बल्कि इस्लाम इस बात की तरगीब दिलाता है कि मसाजिद को आबाद किया जाए उनकी रौनक में इजाफा किया जाए उनसे दिल लगाया जाए उनमें पांचों नमाजें कायम की जाए उन्हें किताबों सुन्नत की दावत का मरकज बनाया जाए मदरसा बनाया जाए जहां तालीमो तालुम का सिलसिला जारी हो लोग दीनी से आरास्ता और पैरास्ता हो मेरे भाइयों मसाजिद वो मकाम है जहां अल्लाह के सच्चे बंदे अल्लाह तबारक तआला के सामने बड़े ही पुरवकार और पुरसुकून होकर अपने घर से आते हैं दिल मस्जिद की तरफ बिल्कुल लटका हुआ है मस्जिद में कदम रखते हैं अपना सीधा पांव अल्लाह मफ्तली अबा बरहतिक कह के अपना पांव रखते हैं अगर वजू नहीं किया है वजू करते हैं जहां जगह मिले मिले वहीं पुरसकून होकर दो रकात रका तो मस्जिद भी आराम से बैठ जाते हैं। अपने आप को पुरमन और पुरसकून महसूस करता है कि मैं अमन में हूं मैं मामून हूं महफूज हूं ये मसाजिद अमन का गहवारा है इस मसाजिद में लड़ाई झगड़ा नहीं गाली गलौज नहीं फसाद नहीं सुकून है यहां यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जमाना था तीर तलवार का कहा के अपने म्यान में तलवार डाल के रखो कहीं किसी मुसलमान को लग न जाए तीर को नोकेली तरफ पकड़ो कहीं तीर किसी की बदन में चुभ न जाए यहां तक फरमाया के लहसुन और कच्चा कच्चा प्याज और लहसुन खा के मस्जिद मत आओ तुम्हारे दाएं बाएं जो होंगे उन्हें भी तकलीफ़ होगी फरिश्तों को भी तकलीफ़ होगी इतनी ज़रा सी तकलीफ किसी को नहीं देना ये अमन का गहवरा है मसाजिद वो मकाम है जहाँ मुख्तलि तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही कबले की तरफ रुक करके सब एक ही अल्लाह तबारक वाला को पुकारते हैं उससे राजो नियाज की बातें करते हैं दो आमुनाजात करते हैं मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों ये मसाजिद मदारिस दीन के किले हैं किला समझते हैं किले क्यों बनाते थे टीपू सुल्तान का किला है निजाम का किला है तो ये किले ये बनाते क्यों थे कि हम जब गुजर जाएंगे पुराना खंडर बन जाएगा तब हमारे नस्ल आके देखेंगे किले दुश्मन के हमले से महफूज के लिए बनाते थे कि क़िले में हम महसूर हो जाएंगे दुश्मन से हम बच सकेंगे ये मसाजिद मदारिस दिन के किले हैं इससे आपके ईमान महफूज रह सकता है आपका इस्लाम महफूज रह सकता है ये मसाजिद एक आदमी के अपनी जाति घर की नस्बत कहीं ज्यादा अहम और अब्दल है आपको अपनी जाति घर में क्या सुकून आप पहुंचाते है? आप सिर्फ अपने जिसम जान को सुकून हासिल कराते हैं आपके जिसमो जान को आपने घरों में आपको आपके जिसमो जान को सुकून मिलता है और मसाजिद में एक मोमिन की रूह को सुकून नसीब होता है रूह को सुकून नसीब होता है आज इतमान और सुकून हासिल करने के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं कहीं भी सुकून नसीब नहीं होता है आइए मसाजिद की तरफ आइए यहां थोड़ी देर दो रकात नमाज पढ़िए अल्लाह तबारक ताला से बातें कीजिए आपको सुकून नसीब होगा ये रूए जमीन की सबसे बेहतर जगह है अल्लाह के नज़दीक के नबी वसल्लम ने फदी तुहा अल्लाह के नजदीक रूव जमीन की सबसे बेहतर मस्जिदें हैं मस्जिदें हैं और सबसे बदतर वो अब अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर जगह बाजार हैं मसाजिद अल्लाह के नजदीक महबूब जगह है बाजार अल्लाह के नजदीक मबगूस जगह है ज्यादा वक्त कहां गुजारना चाहिए मबगूस जगह के महबूब जगह जाहिर सी बात है महबूब जगह आपको पांच मरतबा बुलाया जाता है बाजार में एक मरतबा भी नहीं बुलाया जाता बल्स भगाया जाता चलो दस बज गए बंद करो निकलो घर जाओ आना नहीं चाहते फिर भागते हैं वहां से भगाया जा रहा है यहां बुलाया जा रहा है या आने को तैयार नहीं वहां जाने को तैयार नहीं यही हाल है आज। कमाने के चक्कर में रुपए पैसे के चक्कर में हमने मसाजिद को किधर धकेल रहे हैं मदारिस हमारा क्या हो रहा है हमें कुछ परवाने फिर उस वक्त होश आएगा जब दुश्मन हमारे मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाएंगे तब हमें होश आएगा तब हमारा वो ईमान जागेगा नहीं नहीं अब होश की आखन ले, नाखून लेना चाहिए कि मसाजिद हमारे खतरे में है दुश्मनों की बुरी निगाहें हैं हमारे मदारिस पर मेरे भाइयों, ये बेहतर जगह है रुए जमीन की कोशिश यह कीजिए कि अक्सर अवकात मसाजिद में गुजारा करें साहब कर रिजवान मसाजिद में अपने अवकात गुजारा ज्यादा करते थे हजरत अबूर रदी अल्लाह बाजार गए लोगों को बुलाया क्या कर रहे हो बाजार वालों या हलस्सू क्या हाल है तुम्हारा क्या बात है अबू अबूहर्र कहा कि तुम यहाँ कारोबार में मशगूल हो वहाँ अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी वसलम की विरासत तकसीम हो रही है अब लोगों ने कहा कि कहाँ काफिल मस्जिद मस्जिद में अब लोग मुफ्त का मिले तो कौन यहाँ कारोबार करेंगे सब छोड़ छाड़ कर भागे मस्जिद यहाँ देख के तो कुछ नहीं है वापस गए कहा अबूर्रा वहाँ तो कुछ भी नहीं है कोई कोई नहीं मिला कहा मिले कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे कुछ कोने में तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे कुछ लोग हलाल और हराम के मसाइल सीख रहे थे अबू हर्रा ने कहा अफसोस है तुम पर यही तो अम्बिया नबी की विरासत है यही नबी की विरासत है ये मसाजिद के अंदर तकसीम हो रहा है और तुम बाजारों में हो हमारे जितने भी मसाजिद हैं उमूमन तमाम मसाजिद के अंदर तमाम मसाजिद के अंदर दर्श कुरान और दर से हदीस का बंदोबस्त है दस मिनट आठ मिनट दर से हदीस और आठ दस मिनट दर कुरान कितने लोग बैठते हैं जाते कहाँ है फिर वो वो जहां से आए थे तो फिर वहीं से आते या काल रसूल कहते कहते वो अल्लाह के नबी की बात सुनता नहीं भागता काल अल्लाह तला ने फरमाया सुनते नहीं भागता है फिर इनको कब होश आता है वही छह दिसंबर ब्लैक डे दुकान बंद करो याद रखो इसी तरह जन्नत बंद हो जाएंगे कब्र अंधेरे हो जाएंगे आपके बंद करने ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके मातम मनाने न मनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई मातम की बात है अरे मातम तो अपने अकल पे मनाओ क्या दान हो जाती है फिर भी तुम सुबह उठ नहीं पाते हो अकल अपने मातम पे मनाओ अपनी सोच अपनी फिक्र पे मनाओ कि बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजर बसर करते हो जुमा छोड़े तो कभी मस्जिद आते भी वो भी जुमा भी आए भी तो सिर्फ दो रकात नमाज के लिए किसी की वो भी छूट जाती है अपने आप पे मातम मनाओ कि मातम मनाने का ज्यादा हक मेरा है मैं, मैं खुद मेरे ऊपर मैं मातम मनाऊ कि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूं मुझे मस्जिद से ये मोहब्बत है इसे पहले भी कहा हूं आप कहते मेरी वालिदा से मेरी बड़ी मोहब्बत है बड़ी मोहब्बत है वो कभी कभी बीपी की दो गोली लेके जा डाल दिए जरा शुगर की दो गोली ला दी आप समझे आ, मैं मुझसे ज्यादा माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है कभी एक नेवाला खाना नहीं दिए मुंह में कभी गोली तोड़ के उसको दिए नहीं पानी के साथ आप दुनिया वालों कहते हैं कि मुझे अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत है हमने आज ही उनको बीपी की गोली ले जा दी कोई आपकी मोहब्बत को सच मानेगा ठीक इसी तरह हमारी मसाजिद के अंदर यही ताल्लुक है दिन ब दिन मसाजिद से हमारा ताल्लुक खत्म होते जा रहा है जरूरत इस बात की मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मदारिस से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए आपका ईमान मजबूत होगा आपका इस्लाम मजबूत होगा दुश्मन आपके मदारसों मसाजिद की तरफ बुरी निगाह से ना देख सकेंगे उनके अंदर आपकी हैबत और आप करो दबदबा उनके दिलों पर रच बस जाएगा अल्लाह तबारक वाले ने मसाजिद बनाने का हुक्म दिया और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने फजलत यह बयान की कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई मैं मुतवल्ली हो जाऊँ मैं मर जाऊँ मेरे खानदान वाले को लोग मुतवल्ली के नाम से जाने सदर के नाम से जाने इमाम साहब के नाम से जाने मुअज्जिन के नाम से जाने नहीं अल्लाह के लिए ना मुझे मुहज़िन का लकब चाहिए ना इमाम का लकब चाहिए ना कोई जिम्मेदार का मैं अल्लाह के लिए मस्जिद बनाऊंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा मसाजिद के लिए जब चंदे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत ही हल्के में ले लेते हैं उसको कतर निकल जाते हैं कि लोग मुझे देखने अभी लिखा भी दिया तो देते भी नहीं है पूरा परेशान हो गए जिम्मेदार भाई मेरा, मेरा अभी हिसाब देना है मुझे भाई पैसा तो देते नहीं और यह मनाएगा ब्लैक डे दिसंबर को इनको बाबरी मस्जिद इनको मालूम नहीं है कहाँ है मस्जिद वो कभी गया भी नहीं है सुना है सिर्फ किसने बनाया क्यों बनाया कब बनाया किसने तोड़ा क्यों तोड़ा ये सारी चीजें मालूम है आपको मोहल्ले की मस्जिद के बारे में मालूम नहीं आपको कि यहां भी एक मस्जिद तामीर होनी चाहिए मसाजिद की तामीर अल्लाह तबारक हुक्म दिया कि मसाजिद की तमीर करो जहां नहीं है वहां मस्जिदें बनाओ और मस्जिदें बनाने के बाद वहां उस मस्जिद को आबाद करो पंज गाना नमाज पढ़ो अल्लाह तबारक मतला ने ऐसे लोगों को जो मसाजिद को आबाद रखते हैं ईमान की गवाही दी सुरह तोबा आयत नंबर अट्ठारह अल्लाह फरमाता है इनमा या अमर मसाजिद्लाब्ला आखिर व सला व आतजा वलम यक्ष की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखते हैं है, है अल्लाह पर ईमान है क्यामत आएगी मर जाओगे मिट्टी के साथ मिल जाओगे अल्लाह फिर उठाएगा वहाँ ना तुम्हारा बाप होगा ना तुम्हारी माँ होगी ना तुम्हारा खानदान होगा ना तुम्हारा कबीला होगा ना माल होगी ना दौलत कुछ नहीं होगा तने तनहा हो, तबारक पता वह कुल्लुम आती अमल कियामत फर्दा तनहा तनहा बुलाए अकेले आओ अकेले अकेले बुलाएगा ईमान है तो फिर मस्जिद को आबाद करो वाक सला जो नमाज़ पढ़ते हैं वही हकीकी मानों में मोमिन है उन्हीं को हकीकी मानों में मस्जिदों से मोहब्बत है वात ज़क़ा जो ज़कात अदा करते हैं वलम यकशा जब आपके दिल में अल्लाह तबारक व ताल का डर खौफ पैदा हो जाएगा तो फिर आप रुवे ज़मीन के अंदर किसी से भी नहीं डरेंगे वलम याकशाला और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा फासा उलाए का यह कून मिनर मुमकिन है कि ऐसे ही लोग हिदायत याफ्ता हों ये लोग सीधे रास्ते पर हैं इसत करीमा पर फरमाइए कि अल्लाह तबारक वाले ने मोमिन की अलामत क्या बयान की कि मोमिन मसाजिद तामीर करते हैं मोमिन मसाजिद को आबाद करते हैं मोमिन नमाज पढ़ते हैं यह अल्लाह तबारक वाले सिफत बयान की मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक वाल के अलावा किसी और का डर होता ही नहीं आज इंसान को इंसान से डर है आपके अंदर क्या आपके अंदर इतनी जुरत हिम्मत है आप क्या कर लेंगे छह दिसंबर क्या कर लेंगे आप क्या करेंगे चार पांच को अगर लुढ़का दिए तो क्या करेंगे आप कुछ कर सकते हुआ ना मर श, मर गए पांच छः नौजवान मस्जिद मोहब्बत थी सीने पे गोली खा लिए हमारे अंदर है इतनी हिम्मत कि हम गोली खा लें मस्जिद के लिए शहीद हो जाएं अल्लाह की राह में अब उनकी वालिदा का बयान सुनो बड़ा आसान है दिसंबर की सुबह व्हाट्सअप में स्टेटस लगा देना छह दिसंबर ब्लैक डे मस्जिद बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगा देना बड़ा आसान है ये बहुत आसान है फजर की नमाज वो बंदा नहीं पढ़ा होगा जिसने ये स्टेटस लगाया है बड़ा आसान है अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को इसके बारे में बताना बड़ा आसान है दुकानें बंद करवा देना बड़ा आसान है ये क्या कर लेंगे कुछ नहीं होगा एक अकेला अल्लाह तबारक ताला पर भरोसा रखिए एक अकेला अल्लाह तबारक ताला की जात पर एतमाद रखिए से मोहब्बत है तो उनसे ताल्लुक मजबूत कीजिए और ये से नाम निहाद मुसलमान इससे पहले कई बार बताया हूं कि दुनिया में इसीलिए पीटे जा रहे हो कि मुसलमान हो हमने कल देखा ट्रेन आई मियाँ बीवी मुसलमान हैं वो जुब्बा पहने हुए हैं वो लेडीज़ बुरका पहने हुए हैं गाड़ी बहुत भीड़ थी क्यों अंबेडकर डे है आज शायद मुंबई में सब जमा हो रहे हैं गाड़ी फ्री थी पूरे दलित लोग जा रहे थे पूरी गाड़ियां भीड़ वो टीटी के पास आया वो एक बच्चा है छोटा सा बच्चा है बुरका पहन के औरत है वो शोहर है उसको गाड़ी में जगह नहीं मिली वो उठना चाहता है वो टीटी वाला उसको उठाना नहीं घुसने नहीं दिया उसको दूसरा आदमी आया उसको ले दिया हम बाहर से देख रहे हैं उसका जो है ना पौती बना रहा है क्या में हो गया ये क्यों हुआ ऐसा आज बुरके से आज जुब्बे से आज टोपी से जलन हो रहे हैं लोगों को क्यों इस वजह से कि हम अल्लाह तबारक वाला की इबादतों बंदगी और अल्लाह तबारक वाल की जो घर है मस्जिद उससे हमारा ताल्लुक बहुत खत्म हो गया तो इससे पहले भी कहा हूँ कि हम दुनिया में इसीलिए पीटे जा रहे हैं कि दुनिया वाले हमको मुसलमान समझते हैं और कल क़्यामत दिन इसीलिए पीटे जाएंगे कि दुनिया में अल्लाह कहेगा तो मुसलमान थे ही नहीं किस एंगल से हम मुसलमान हैं आप ज़रा देखो हम नमाज पढ़ते हैं ना हमारे चेहरे पे दाढ़ियाँ हैं ना हराम और हलाम, हराम के हराम के में हमारी तमीज़ है ना एक दूसरे से हमारी मोहब्बत है ना मसाजिद मदारस से हमारी मोहब्बत है ना हम जक़ात अदा करते हैं ना गरीबों बेवाओं यतीमों के हम ख्याल रखते हैं किस ए, किस एंगल से हम मुसलमान हैं किस एंगल से आप सोचिए खुद ही जब ऐसे मुसलमान होंगे अब, लो, अब अब कुछ नौजवान क्या कह रहे हैं वो चाय की दुकान में सिगरेट की चुस्कियाँ लेते लेते इन इनकी इन श्ला बड़ी दमदार है कि अल्लाह तबारक पता मसाजिद की वैसी हिफाजत करेगा जैसे खाने काबा की हिफाजत की थी अब रहा बादशाह से तो किसी ने लिखा हाँ वो तो हिफाजत कर रहा है वो तुम्हारे मोहताज नहीं है वो लेकिन अगर अबाबिल परिंदा आ भी गया तो पत्थर उनके सर पे न बरसाकर हम मुसलमानों के सर पे बरसाएगा यह भी याद रखना वो काफिर मुशरिक था उनका ईमान नहीं था वो अपना माल दौलत का हाथ अब मेरे जानवर मुझे दे दो बाकी तुम मस्जिद को अब जिसकी मस्जिद है जिसका घर है वो देख लेगा अल्लाह ने हिफाजत की इस इंतजार में मत रहो अल्लाह तबारक वाल ने हुक्म दिया कि तुम मस्जिद को आबाद करो हिफाजत तुम्हें ही करनी है देखभाल तुम करो पाकि सफाई ख्याल तुम रखो इसे आबाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है इसीलिए मेरे भाई जरूरत इस बात की है कि हालात जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बड़ी नाजुक दौर है बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं आप ये ना समझें आप अच्छा खा रहे हो आप अच्छे मकान में रहते हो आपको अंदर से सुकून नहीं है आप तनहा सफर नहीं कर सकते नहीं कर सकता तनहा सफर आप ऐसे हालात हो गए बी बच्चे के साथ कहीं सफर करना पड़ेगा तो आपको डर होगा ऐसे माहौल से गुजरना पड़ रहा है फिर भी हमारी ये हालत कि हम पक्के सच्चे अब तक नमाजी ना बन सके ये मसाज हर दिन कोई ना कोई मस्जिद के बारे में खबरें आती रहती है कि इस मस्जिद के नीचे फला है इसको तोड़ा जाए और फिर मुसलमान परेशान हो जा रहे हैं परेशान की बात ही है लेकिन मेरा कहने का मत मकसद मतलब ये है कि आप परेशान हो जायज़ है 6 दिसंबर उन्नीस में जो कुछ हुआ उसे आप अपने बच्चों को अपने घर की औरतों को अपने दोस्तों के सामने बयान करो जिक्र करो फिक्र करो लेकिन साथ ही साथ अपने मोहल्ले की और जो मसाजिद हैं उन्हें आबाद करने की भी फिक्र करो उन मसाजिद से ताल्लुक़ मजबूत करो ताकि जो उन्नीस में हुआ वो फिर आइंदा ना हो पाए इसीलिए इस इतनी सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि मसाजिद से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए अल्लाह के नबी जनाब महम्मद रसोल सल्ला वम ने इर्शाद फरमाया सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है आपने फरमाया सब अतुन सात तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक वाली अपने साय में जगह देंगे जिस दिन उस साए के अलावा कोई साया नहीं होगा मैदान महशर में कोई साया नहीं होगा बड़ा कठिन दिन होगा मेरे भाइयों सूरज बिल्कुल सर के करीब आ जाएंगे लोग अपने अपने गुनाहों के बकदर पसीनों में डूबे हुए होंगे बड़ा नफसी नफसी का आलम होगा कोई किसी का निहाल ना होगा सब एक दूसरे से भागेंगे बड़ा ख़तरनाक मंजर होगा आंख बंद करके वो तसौर कीजिए आपको मैदान महशर नजर आएंगे आंख बंद करो और तसौर करो मैदान महशर की आपके बाप भाग रहे हैं आपकी वालिदा भाग रही हैं आपके दोस्त अहबाब भाग रहे हैं आप पुकार रहे हो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कहीं कोई साया नहीं मिलेगा <स्यारीग> अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया सात तरह के लोगों को अल्लाह अपने साय में जगह देंगे पहले फरमाया इमाम आदिल इंसाफ करने वाला बादशाह इंसाफ वर बादशाह ऐसे बहुत सारे बादशाह गुजर चुके हैं जिन्होंने इंसाफ करके दुनिया वालों को दिखाया आज भी उनकी वाकया उनकी मिसालें बाकी हैं और आज जिस मुल्क में हम रहते हैं ये जमहूरियत या इंसाफ नहीं होता है इंसाफ के लिए लोग आज कितने सालों से लड़े झगड़े नहीं हुआ इंसाफ वो अपना बना लिए हमें थोड़ी सी जगह दे दिए तुम अपना यहां मस्जिद बना लो ऐसे इंसाफ या नहीं होता है यहां कानून अलग से लिखी गई लेकिन कानून पे अमल नहीं होता है हर दिन कानून के साथ खिलवाड़ होता है नया कानून बनाते हैं अल्लाह के नबी ने फर इंसाफ करने वाला बादशाह और दूसरे फरमाए अजल वो नौजवान जिसकी अल्लाह अजल की इबादत में हुई हो जो रब की बात बंदगी में अपनी जवानी गुजार रहा है पंजगाना नमाज के पाबंद हैं तहजुद गुजार हैं सोमो सलाद के पाबंद हैं सच बोलता है कारोबार ढंग का करता है हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ करता है लोगों के साथ अच्छे अखलाक किरदार से पेश आता है ऐसे नौजवानों को अल्लाह अपने सय में जगह देंगे उसके बाद फरमाया व रजुल कल्ब हु बिलमसाजिद तीसरा वो आदमी जिसे अल्लाह अपने अर्श के साय में जगह देंगे वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ है मुअल्लकुम मसाजिद मस्जिद इतनी बड़ी दिल में इतना छोटा है कैसे अटकाएंगे मस्जिद से दिल अटकाने का मतलब क्या है बहुत कुछ है। आप पूरे बाजार को दिलों में अटका लिए हो आप और बहुत चीजों को दिल में जगह दे दिए हो तो मस्जिद के लिए है कहीं जगह खाली करो बाजार को दुकान को कारोबार को उखाड़ के फेंको सब साफ करो अब मस्जिद को जगह दो मस्जिद से ताल्लुक बिल मसाजिद क्या मुराद है दिल मस्जिद से अट अटका हुआ रहे वो साल में एक मरतबा छह दिसंबर आए तभी या फिर महीने में या फिर जुमा के दिन आज ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ साल में एक मर्तबा याद करते हैं छह दिसंबर ब्लैक डे उन्नीस सौ उसके बाद फिर कल से भूल जाएंगे कि मसाजिद से ताल्लुक हमारा क्या है हमें किस कदर मस्जिद से ताल्लुक़ रखना चाहिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ताल्लुक बिल मसाजिद से तुम्हें अल्लाह के साय में जगह मिलेगी ये कितनी खुश की बात है ताल्लुक़ बिल मसाजिद एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करो वंतजार तो तिबाद अभी जुमा पढ़ के जा रहे असर दिल इधर ही अटका हुआ है कारोबार बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं जैसे ही वक्त हुआ फौरन मस्जिद में कदम रख दिए ऐसा होता है आज जिस तरह से ये ब्लैक डे वाले बंद किए उनसे दरखास्त है कि हर दिन नमाज के वक्त तो तुम अगर बंद कर दिए तो इनशाला तुम कामयाब हो जाओगे आज जिस तरह छह दिसंबर में तुम तमाम दुकान वालों के दुकान को बंद करा दिए हर नमाज के वक्त बंद कराओ खुद भी बंद करो दूसरों के बंद कराओ करा सकते हो लड़ाई हो जाएगी झगड़े होंगे ये मोहब्बत है हमारी दुनिया से और ये मोहब्बत है हमारी मसाजिद से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्लासलम ने फरमाया एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करो असर आ जाओ फिर कारोबार में रहो मगरब फिर आओ ऐशा फिर आओ क्योंकि अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है फदा आल को मरिबात ये रिबात हैं रिबात कहते हैं जो सरहद पर पहरेदारी देते हैं आर्मी बीएसएफ बीएसएफ कमांडर जो होता है जो बॉर्डर पर पहरेदारी करते हैं क्या क्यों ताकि दुश्मन हम पर हमला ना कर दे दुश्मन हम पर हमला ना कर दे, इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना ये रिबात है यानी शैतान के हमलों से तुम्हें यह इंतजार महफूज रखेगा शैतान तुम्हें बरगलाएगा नहीं शैतान तुम्हें बहकाएगा नहीं बल्कि इस तरह की शैतान के फितनों से ये एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार तुम्हें हिफाजत में रखेगा ये ताल्लुक बिल मसाजिद हैं मेरे भाइयों ज़रूरत इस बात की है कि आप छः दिसंबर को अपने दोस्तों के सामने जिक्र करो अपने नई नस्ल को सुनाओ ताकि उनके दिलों में मस्जिद का एहतराम और ज्यादा हो उनका दिल मस्जिद के साथ लग जाए उन्हें मस्जिद से सच्ची मोहब्बत हो सुनाओ उनको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सारा वाकया सुनाओ ताकि वो बच्चे जिनकी पैदा जो पैदा भी नहीं हुए थे उनके दिलों में मस्जिद की मोहब्बत बैठे उनके दिलों में मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत हो, और आइंदा दुश्मन हमारे मसाजिद और मदारिस की तरफ बुरी निगाह ना उठा सकें एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि मसाजिद और एक होता है मदारिस। ये दोनों लाजिम मलजुम हैं जितने बड़े बड़े आईमा इक्राम है साहब इक्राम है उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मस्जिद से ही शुरू की मस्जिद से तालीम आज भी अलहमद हमारे तमाम मसाजिद के अंदर मदारिस का बंदोबस्त हैं ख़ीन भी आते हैं बच्चे बच्चियाँ भी आते हैं बहुत सारी मसाजिद के अंदर नौजवान भी आते हैं बहुत सारे मसाजिद के अंदर बुज़ुर्गों के लिए भी तालीम का बंदोबस्त किया गया है तो ये मदारस और मसाजिद इन दोनों से आज हमें अपना रिश्ता मज़बूत करने की ज़रूरत है और रिश्ता मज़बूत तभी होगा जब हम बार बार मस्जिद आएंगे जाएंगे। जब हम जुमा पढ़ने के बाद असर में भी हाज़िर होंगे असर पढ़ने के बाद मगरिब में भी हाजिर होंगे मगरिब के बाद ईशा में भी हाजिर हो जाएँगे साहब कराम रजील्ला तुम मस्जिद से कितनी मोहब्बत थी कितनी मोहब्बत थी उनको मस्जिद से हमारे नबी को कितनी मोहब्बत थी मस्जिद से बेमार हो गए थे चल नहीं पा रहे थे दो आदमियों का सहारा लिया पांव मुबारक जमीन में घिसट रहे थे मस्जिद आए अल्हम्दुलिल्लाह पांव दुरुस्त क्या जवाब देंगे कल अल्लाह तबारक तआला के यहां पांव तो दुरुस्त है, सही है बेमार तो नहीं हुए हैं वो नबी बेमार थे मस्जिद आए हालत ऐसे ऐसे हो गए तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गई बेहोश हो गए होश आया तो क्या फरमाया लोगों ने नमाज पढ़ ली है यही पूछा था कहा कि नहीं फिर अल्लाह के नबी सल्लम उठने से नहीं उठ पाए हुक्म दिया नमाज पढ़ाने का और पर्दा सरकाया सहाब कराम तुम की बाजमात रौनक अफजोर मंजर को देखा तो रुख अनवर मुसदत से तिमतिमा उठा आप सल्लम का हुजरा इधर थे आपने पीछे से कैसे देख नहीं सामने था उजरा और पहले मस्जिद बनाते थे आप देखे होंगे वो जरा नक्शा बनाते थे हाँ मेम्बर के वो नबी नबीसम का हुजरा का दरवाज़ा था हजरा देखा साहब कराम नमाज़ पढ़ रहे थे चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई और आखिर में क्या वसीयत की थी क्या क्या देखे गए नबी हमें क्या कहे असला नमाज की पाबंदी करना मैं जा रहा हूँ मैदान महशर में मुलाकात करनी है नमाज की पाबंदी करो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि मसाजिद मदारस से सच्ची मोहब्बत कीजिए पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए अपने अपने नौ को नई नस्लों को मजा मदारस और मसाजिद से जोड़िए उनको बतलाइए कि मसाजिद और मदारस की अहमियत क्या है आज भी अगर हम नहीं सुधरे आज भी अगर हमारे हमने होश के नाखुन नहीं लिए जबकि इस ऐसे फितनों के दौर में जहाँ पूरी दुनिया हम मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं कभी हमारी मसाजिद कभी हमारी मदारिस, कभी ये अजान अब तो खाने पीने पर भी पाबंदी तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इतनी जो सारे इम्तिहानात और आदमाइशें हैं या इसे अजाब कहिए सजाएं हैं कहीं ना कहीं खुशुरार तो हम ही हैं कि हमें अपनी मस्जिद से वो मोहब्बत नहीं रही जो साहब कराम को थी जो अल्लाह के नबी को थी जो सलफ़ सालहीन को थी आज हमें मसाजिद से वो मोहब्बत नहीं रही हमें नमाज़ पढ़ने तक गवारा नहीं हमें याद रखिए अगर ऐसा ही रहा आज वो मस्जिद तो कल ये मस्जिद बस हम ब्लैक डे मनाते रहेंगे लोगों को अपने अपने बच्चों को वाक़ सुनाते रहेंगे इस बात से डरिए और अल्लाह तबारक व तला पर परमाद भरोसा रखकर अपने ईमान को अजसरे नौ तजदीद करके मस्जिद मदरसे से सच्ची मोहब्बत कीजिए साहब राम रदी अल्लाह तालन को जिस तरह मोहब्बत थी मस्जिद से मदरसे से उस तरह महब्बत कीजिए बहुत सारे वाक़े हैं वक्त ख़त्म हो गया है एक आद अल्लाह के नबी नबीम के वाक़ हदीसी काफ़ी होती है इबरत के लिए नसीहत कबूल करने के लिए कुरानी मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ने ईमान वालों की गवाही दी जो मस्जिद को आबाद करते हैं नबी आलतम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताल के सए में जगह मिलेंगी जिसे दिल जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ है जिससे दिली मोहब्बत है जिसको मस्जिद से ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताल अपने साय में जगह देंगे इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक वक्त भी ऐसा ना हो कि नमाज हमारे छूट पाएँ हर वक्त आओ मस्जिद से मोहब्बत देखो मस्जिद से दिलों को सुकून मिलेगा राहत मिलेगी और सफे उला के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए एक अंधे नाबीना सहाबी थे उन्होंने इजात मांगी थी अल्लाह के नबी से घर में नमाज पढ़ने की नबी ने नहीं दी कि अजान की आवाज़ सुनते हो तो फिर मस्जिद आओ अल्लाह के नबी नबीम ने अंधेरों में मस्जिद में आने वालों के लिए खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि उन्हें कल क़ियामत के दिन मुकम्मल नूर अता होगा वो तो पुलिस रात में जब भागने की नौबत आएगी तो वो अंधेरा हो जाएगा कुछ लोग बिजली की तरह सर भाग जाएंगे, कुछ गिरते पड़ते कुछ लोग जहन्नम में गिरेंगे वो पार होंगे वो आने वाला है वो ऐसे अंधेरा भी होगा और ऐसे अंधेरों में जब भी अंधेरों में गिर जाओगे चाहे वो कब्र की अंधेरी हो मैदान महशर का अंधेरा हो पुलसरात का अंधेरा हो ऐसे अंधेरों में अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंधेरों में जो मस्जिद आते जाते हैं उन्हें मुकम्मल नूर की बशारत दे दो अल्लाह तबारक तआला से दुआगू हो के आमीन तू हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार आलम तू हम तमाम मुसलमानों को पंजगाना नमाजी बना हमें मसाजिद मदारस से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना मसाजिद मदारस से हमारा रिश्ता मजबूत कर दे अलमीन काफिर मुशरिक यहूद काफिरमशिक नसारा के मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा तो उनके हर मकर फरेब को नाकाम कर हम में से जो बीमार है अल्लाह तो शिफाए कामिला मिला आता फरमा में से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख और जब हमारा खात्मा हो सुबह पर कलीम ला लाला आमीन इन्ह फ़िदा कल दिकरा लिमन कान कलबूल शहीद